तो बेहद मंदभागी खबर सामने आई है जिथे कि एक व्यक्ति दे वल्लों कर्जे तो परेशान होके सिर्फ 10,000 दे कर्जे तो परेशान होके परिवार दे समेत नहर दे विच छाल मार ली जाती है, परिवार दे समेत आत्महत्या की जाती है व्यक्ति दे वल्लों। हालांकि परिवार का रो रो के बुरा हाल है, उतों दीआं तस्वीरां भी सामने आईआं ने जदों परिवार का कहना हुंदा है कि उन्होंने इंसाफ की जिहड़ी गुहार लगाई है पुलिस दे कोलों। दरअसल यह मामला है मानसा दे पिंड ठुटियां वाली दा जिथे कि एक परिवार ने 10,000 दे कर्जे तो परेशान होकर आत्महत्या की है। ये मरण वाले दे विच इको परिवार के तीन जड़े मैंबर ने, तीन मैंबर पति पत्नी अते उन्हां दा 10 साल का बेटा जिसके वलों आत्महत्या की जाती है परिवार के समेत। व्यक्ति का नाम जड़ा दस्या जा रहा है, उन्हां दा नाम सुरेश दस्या जा रहा है, जो कि मानसा दे एक व्यक्ति तो करीब 40,000 रुपए का कर्जा लैंदा है। परिवार का कहना है कि सुरेश दे वल्लों बाकी जड़ा 30,000 है वह भी एक बार 20,000 दिता गया, तो फिर जड़ा किश्ता दे नाल फिर जड़ा बाकी कर्जा चुकाया गया 20,000 का, लेकिन ये 40,000 दे विचो 10,000 सुरेश कुमार नहीं दे सकया। जिस तो बाद ये भी कस गल सामने आई है जिथे परिवार का कहना है कि सुरेश कुमार ने जो कर्जा लिया सी तां एक ब्लैंक चैक के उत्ते सिग्नेचर करके, खाली चैक के उत्ते सिग्नेचर करके उस व्यक्ति नूं सौंप दिता सी, जिसका फायदा चुक के व्यक्ति दे वल्लों जदों सुरेश 10,000 नहीं चुका पाया तो उसके वल्लों उस चैक के उत्ते 4.5 लाख रुपए लिख के अदालत दे विच केस दर्ज कर दिता गया सुरेश कुमार के खिलाफ, जिस तो वह परेशान सी अते सुसाइड नोट लिख के उन्होंने वल्लों आत्महत्या की जाती है। सुसाइड नोट दे विच लिखिया गया है कि उन्होंने वल्लों जड़ा 10,000 बाकी रह गया सी कर्जा देना, 10,000 दे कर्जे ने इको परिवार दे तीन मैंबर की जान ले ली, जिस दे विच एक 10 साल का बेटा भी शामिल है। उसका जड़ा व्यक्ति है मृतक व्यक्ति उसका नाम सुरेश दस्या जा रहा है, पत्नी का नाम काजल दस्या जा रहा है, जिन्हों के वलों आत्महत्या की जाती है। परिवार का रो रो के बुरा हाल है। एक बार तस्वीर पर नज़र मार दें, वो गमगीन तस्वीर आ जदों परिवार दे विच इस वेले मातम का माहौल छाया हुआ है। इतने मृतक सुरेश के परिवार का कहना है कि उन्होंने इंसाफ चाहता है। सुरेश के साइन किए ब्लैंक चैक के उत्ते व्यक्ति दे वल्लों 4.5 लाख रुपए लिख के उसनों अदालत दे विच उसके खिलाफ केस कर दिता गया, जिस तो लगातार परेशान रहिंदा सी। जदों कोर्ट दे वल्लों सुरेश नूं नोटिस आउंदा 4.5 लाख रुपए का, उस वेले उसके पैरों तो जमीन खिसक जाती है कि 10,000 का कर्जा 4.5 लाख रुपया बेइंसाफी कर दिया, उसके वल्लों ब्लैंक चैक के उत्ते लिख दिता जाता है, लेकिन कर्जा 10,000 का सी जिसके पिछे उसके वल्लों आत्महत्या कर ली जाती है परिवार के समेत। हालांकि ये भी सामने आया कि उसके जड़ा मकान मालिक से लगातार वो भी परेशान कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति जड़ा है ब्लैंक चैक के उत्ते, खाली चैक के उत्ते जिसते सुरेश दे सिग्नेचर्स किए होंगे ने, साइन किए होंगे ने, उन्होंने दस्तखत किए हुए खाली चैक के उत्ते व्यक्ति दे वल्लों 4.5 लाख भर के अदालत दे विच केस दर्ज करवा दिता जाता है, केस किया जाता है सुरेश के खिलाफ। जिस तो बाद अदालत दे वल्लों उसके घर दे विच नोटिस आ जाता, उस नोटिस तो परेशान रहिंदा सी सुरेश कुमार, अते हुण परिवार के समेत उसके वल्लों नहर दे विच छाल मार के आत्महत्या कर ली गई है। मृतक दे परिवार वाले का बार बार यही कहना है कि उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होवे, इंसाफ होवे। तो होर की कुछ मंगा ने परिवार दिया, की कुछ कहना है परिवार का, वह सुनते हैं। मेरा बड़ा भाई सीगा जी, वह ठीक है ना जी, तो एक तो उन्होंने सुसाइड नोट च लिखा कि मैंने मकान मालक बहुत तंग करते जी, तो एक उन्हें लिखा जी इतने भी मेरा किसी ने चैक लाता सीगा तो मेरे तो बहुत ज़्यादा भी मैनू भी टेंशन पाँदे इस करके ना मैं आत्महत्या कर ली, उन्हें तिना नहीं साल मारी ਸਾਡੇ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਤਾ ਸੀ।
ਚੈੱਕ ਲਾਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੱਤਿਆ ਕਰੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਜੀ ਅੜਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਜੀ ਜਮਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਫੜਿਆ ਸੀ ਧਾਰਾ ਫੈਂਸ ਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ 20 ਮੋੜਤਾ ਸੀਗਾ 20 ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ 2-4 ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 4.5 ਲੱਖ ਚੈੱਕ ਲਾਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਮੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਬਸ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 20,000 ਵਾਸਤੇ 3 ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਖਾਈ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭੈਣੀ ਬਾਗਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੋਂ ਵਾਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ